टू द न्यूट्री गर्ल चैनल पे, मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज हम करेंगे रिव्यू हमारे आईफोन 13 प्रो मैक्स का, जो कि मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा डिवाइस। मतलब इस डिवाइस को मैं लास्ट 2.5 महीने से यूज कर रही हूँ और लिटरली मेरे हिसाब से ये जो डिवाइस है ये किलर डिवाइस है। मतलब मैंने इस डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया है, -15 डिग्री टेम्परेचर में भी टेस्ट किया है और इस डिवाइस ने मुझे कहीं में भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही डिपेंडेबल डिवाइस है। सबसे बढ़िया चीज ये थी इस डिवाइस की, जैसे हमारे जो बाकी के डिवाइस को मैं लेके गई थी मैं टेस्ट करने के लिए इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में, और वहां पे क्या था, मोस्टली डिवाइसेस का बैटरी बैकअप जो है वो हाफ हो जाता था, मतलब काफी कम बैटरी बैकअप मुझे देखने को मिला। लेकिन इस डिवाइस के अंदर मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, एक्सट्रीम ठंड में भी बैटरी बैकअप एक दिन का आराम से मिल रहा था। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर और NCR रीजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा मिल रहा था कि 40% तक मेरी बैटरी बच जाती थी एक दिन हैवीली यूज करने के बाद। वहां पे हैवी यूज किया मैंने, मतलब इस डिवाइस के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत सारी स्लो मोशन वीडियोस बनाए, उसके बाद मैंने इसके अंदर फोटोग्राफ्स क्लिक करी, इसके अंदर मैंने कॉलिंग के लिए यूज करा डिवाइस को, थार के साथ इसको कनेक्ट किया, उसके अंदर मैंने बहुत सारा म्यूजिक प्ले किया। लेकिन इस डिवाइस के अंदर मुझे एक्चुअल में बैटरी बैकअप तगड़े वाला मिला, एक दिन आराम से चला है मेरा डिवाइस, कोई दिक्कत नहीं आई है। और वैसे मतलब किसी भी कंडीशन में मैंने इसको यूज किया है, मुझे इस डिवाइस के अंदर कहीं पे भी कोई नेटवर्क इशू देखने को नहीं मिला, सिग्नल स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिल रही थी और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो आपको काफी अच्छी रेंज मिल जाती है। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस एंजॉय करने में मेरे बहुत ही मजेदार रहा। वैसे एक चीज है जो मुझे एक्चुअल में इस डिवाइस की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो कि है हमारी चार्जिंग। मतलब सबसे पहला दुख मेरा ये है कि एप्पल ने चार्जर नहीं देना था बॉक्स में, हमें अलग से खरीदना पड़ता है, इतना कॉस्टली डिवाइस है, उसके बाद भी हमें अलग से पैसे देके चार्जर खरीदना है। चलो कोई नहीं, खरीद रहे हैं, लेकिन जो चार्जर खरीद रहे हैं उसको तो कम से कम फास्ट चार्जर कर दो। आप 20 वॉट का 30 वॉट का दे रहे हो, थोड़ा हाई वॉट का दे दो कि भैया फटाफट से डिवाइस चार्ज हो और हम अपने एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू कर सके। बट नहीं, चार्जिंग में आपको नॉर्मल कंडीशंस में लगभग 1 घंटा 45 मिनट लग जाएंगे डिवाइस को 0 to 100% फुल चार्ज करने में। और जब मैं कहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में जाती हूँ जहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो आप लगा लो 10 से 15 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, तो लगभग 2 घंटे मुझे लगते हैं इस डिवाइस को चार्ज करने में। अब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब देखा जाए तो वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, इतनी स्लो है वो तो और स्लो हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो डिवाइस मुझे ये काफ़ी मज़ेदार लगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा एक स्टील का डिवाइस है, ठंड में मैं जब इसको यूज़ कर रही थी मतलब लिटरली मेरी फिंगर्स इसके साथ चिपक गई थी, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक स्टील का डिवाइस आता है और इसमें ठंड में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे एक और चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि हमारा स्टील बॉडी में आता है डिवाइस ग्लास बॉडी के साथ, जिसको आपको प्रोटेक्शन भी अच्छी मिलती है, मतलब जिसका जो हमारा कैमरा साइड है इसके ऊपर भी आपको सफायर क्रिस्टल की लेंस प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिससे कि मतलब मैंने तो बिना कवर के यूज़ किया अभी पूरे 2.5 महीने और कोई इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ये डिवाइस हमारा काफ़ी हैवी है, इस चीज़ को ध्यान रखें, और बिना कवर के यूज़ करने में थोड़ा स्लिपरी भी है डिवाइस। तो जो लोग होते हैं ना रात को बैठ के अपने मतलब लेटे हुए बेड पे और चैटिंग कर रहे होते हैं या वीडियोस देख रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर ये फ़ोन आपके मुँह पे गिर गया तो भाई मुँह टूट सकता है, ये बहुत हैवी है, बहुत भारी डिवाइस है। और अच्छा भी लगता है, हालांकि आप कहीं जाओ और आपने ये डिवाइस पकड़ाओ जो कि फिट एंड फिनिश में एकदम ऑसम है, एकदम प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है और बहुत ही सॉलिड डिवाइस है, तो कॉन्फिडेंस आता है बंदे के अंदर कि हाँ भाई iPhone पकड़ा हुआ है 13 Pro Max। लेकिन भारी है, इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा देर भी पकड़ के रखेंगे तो हाथ थक जाएंगे और अगर मुंह पे गिरा तो मुंह टूट भी सकता है। अब एक चीज है जो मुझे इस डिवाइस की बहुत ही बढ़िया लगती है कि आप इस डिवाइस को मजे से स्नोफॉल में यूज करो। हैवी स्नो स्टॉर्म मुझे मिला था जब मैं अपने ट्रेवल करने गई थी और वहां पे मैंने इस डिवाइस को आराम से निकाल के अपना वीडियो बनाया, कोई टेंशन नहीं थी मुझे कि भैया खराब हो सकता है ये फोन। इसके अलावा इस डिवाइस को मैं पूल साइड यूज करती हूँ या बारिश में यूज करती हूँ तो कोई टेंशन नहीं रहती मुझे, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर जो IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है तो वो हमारी 6 मीटर तक टेस्टेड है। बाकी जो हमारे डिवाइसेज होते हैं उनके अंदर 1.5 मीटर टेस्टेड होती है, लेकिन इसमें 6 मीटर तक टेस्टेड है।
क्वालिटी देखी जाए तो एप्पल टॉप वाली देता है। इसके बाद जो बढ़िया चीज लगी उस डिवाइस की वो था मेरा डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले की मैं बात करूं, अगर आप जैसे ज्यादा स्नो वाले एरिया में जाते हो वहां पे वैसे ही देखा जाए, मतलब हाइट पे जाने पे तेज सनलाइट होती है दिन के टाइम पे, और अगर स्नो हो आपके आसपास तो एकदम ना वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो ऐसे हो जाता है कि बंदा बिल्कुल ब्लाइंड ब्लाइंड सा फील करता है, इतनी तेज सनलाइट होती है। और उस टाइम पे भी इस डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है उसमें मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कैमरा को आराम से निकाल के यूज किया, मैं इसमें सेल्फीज क्लिक कर रही थी, मैं इसमें चैटिंग कर रही थी, अपने मैसेजेस टाइप कर रही हूँ, कोई भी काम करने में मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। मतलब सनलाइट में खड़े होकर यूज करना बहुत ईजी था इस डिवाइस के अंदर, क्योंकि डिस्प्ले हमारा काफी ब्राइट है। टेक्निकली अगर हम बात करें, मैं इस डिवाइस का आपको टेस्ट रन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि इसकी जो हमारी ब्राइटनेस की रीडिंग है वो 800 प्लस आ रही है। मतलब आपको इस डिवाइस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मजे से सनलाइट में यूज कर सकते हो, बढ़िया कलर्स, बढ़िया ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। और इंडोर में भी अगर आप इसके अंदर गेमिंग करते हो तो सबसे पहले 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिलता है इंटेलिजेंट है काफी। मतलब आपको अगर रिक्वायर्ड है तभी रिफ्रेश रेट को बढ़ाता है, वरना काफी कम कर देता है, जिससे कि ना हमारे डिवाइस की बैटरी बैकअप जो बढ़िया वाला हमें मिल रहा है वो उसका रीजन यही निकल के आता है, क्योंकि रिफ्रेश रेट काफी इंटेलिजेंटली वर्क कर रहा है। और आपको स्मूथ लगेगा डिवाइस, बहुत ही स्मूथ लगेगा यूज करने में, उसके साथ आपको कलर्स ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलती है। मतलब कंटेंट एंजॉय करने के लिए भी मेरे लिए बढ़िया था। अब वहां पे मैं जैसे हमें कहीं पे जाके कोई परमिशन लेनी है, कोई काम करना है, हम रुके हुए हैं, गाड़ी में बैठी हुई हूं मैं, तो मेरे लिए बढ़िया था कि इतना बड़ा डिस्प्ले है, आराम से मैं तो मूवीज देख रही थी बैठ के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा डिस्प्ले है, कलरफुल डिस्प्ले, तो आपका एंटरटेनमेंट बढ़िया वाला चलता है। वैसे इसके साथ डिवाइस का ऑडियो आउटपुट भी बहुत अच्छा है। मतलब हमें जो डुअल स्पीकर्स मिलते हैं वो काफी लाउड है, काफी क्रिस्प है, और अगर मैं आपको टेस्ट रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 98 हमारी एवरेज रीडिंग होती है और यहाँ पे हमारी 103, 104, 105 तक गई है मैक्सिमम रीडिंग। तो आपको डिवाइस के अंदर तगड़ा ऑडियो आउटपुट भी मिल जाता है। और जिन लोगों को एडवेंचर और स्नो पसंद है उन लोगों के लिए मैंने अपने इस ट्रिप का ट्रेवल लॉग बनाया है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो एक्चुअल में मैंने इस डिवाइस को जैसे 2.5 महीने में कई जगह पे यूज किया है। मतलब हर एक कंडीशन में आप कह सकते हो मैंने इस डिवाइस को यूज कर लिया है, डे टाइम, नाइट टाइम, स्नो टाइम, रेनफॉल टाइम, हर एक जगह पे यूज किया, और मुझे इस डिवाइस के कैमरा ने कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आपको जो पिक्स मिलती हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैंपल्स, मेरे को डिटेलिंग बहुत अच्छी मिली, मतलब बैकग्राउंड डिटेलिंग को भी अच्छे से कैप्चर करता है हमारा ये कैमरा। उसके साथ आपको डायनामिक रेंज जो मिलती है, हाईज एंड लोज के अंदर भी आपको कलर करेक्शन अच्छा मिलता है, कंट्रास्ट अच्छे से लेता है, डिटेलिंग अच्छे से लेता है, इवन जो कलर्स कैप्चर कर रहा है वो काफी नेचुरल की साइड आ रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पिक्स के अंदर आपको एज डिटेक्शन अच्छा मिलता है, बुके मोड के अंदर वाइड एंगल में आप अपनी ऑसम पिक्स ले सकते हैं। मैंने नाइट टाइम की पिक्स की अगर बात करूं तो वहां पे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी नॉइस कम आ रही है, डिटेलिंग काफी शार्प आ रही है। मतलब एक्चुअल में कैमरा वाइज तो मुझे डिवाइस बढ़िया लगा, लेकिन अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूं तो सबसे बड़ी बात ही होती है कि एप्पल के जो डिवाइसेस हैं उनकी वीडियोग्राफी बेस्ट होती है, और ये एप्पल का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये तो नंबर वन ही है। आप यहां पे देख सकते हो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए थे, सबसे पहले आप ये देख रहे हो बैक कैमरा के वीडियो सैंपल, जिसके अंदर अच्छी डिटेलिंग है, सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर मिल जाता है, आपको डुअल ओआईएस का सपोर्ट मिलता है जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन अच्छा मिल रहा है, और आप देख सकते हो पैनोरमिक व्यू पूरा मैंने कैप्चर किया था लाहौल वैली का, कितना कमाल का आया है, अच्छे कलर्स के साथ आया है। इवन इसके अंदर हमें जो वो सिनेमैटिक मोड मिलता है उसकी तो सब तारीफ करते हैं, वो तो अच्छा है ही है, लेकिन उसके अलावा ये आप देखो स्लो मोशन वीडियोस मैंने कैप्चर किए थे और बहुत मजा आया इस डिवाइस के अंदर वीडियोस बनाने में। मतलब आपको अच्छा कैमरा मिल रहा है तो आप अपने पिक्स और वीडियोस के अंदर पूरी अपने ट्रिप्स की मेमोरी को कैप्चर कर सकते हो। इसके साथ वैसे सेल्फी कैमरा की बात करूं मैं, 12 मेगापिक्सल का है, उसके अंदर भी देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट करी गई है। अब जो पोर्ट्रेट स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं हमें वो फिल्टर्स की तरह वर्क करते हैं, मतलब पिक्स जो है वो आपकी एक किस्म से कह सकते हो कि इंस्टाग्राम रेडी पिक्स आई है, सोशल मीडिया रेडी पिक्स, तो आप सीधा पिक्स क्लिक करो, डालो उनको, आपको अच्छे कलर्स मिलते हैं, अच्छी डिटेलिंग मिलती है, अच्छे स्किन टोन को कैप्चर करता है, और बुके मोड के अंदर भी बैकग्राउंड ब्लरिंग को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करके अच्छे से बैकग्राउंड डिटेलिंग को कैप्चर करता है। मतलब पिक्स आप देख सकते हो वो खुद ही बोल रही है
काफी लाइवली पिक्स हमें देखने को मिली। तो कैमरा वाइज तो ये डिवाइस मुझे एक्चुअल में काफी अच्छा लगा। अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जो कि है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस जो है दो चीजों पे मैटर करती होती है, किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस, कि हार्डवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है। और इस डिवाइस के अंदर हमें दोनों का ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मतलब आपको मिल जाता है A15 बायोनिक चिपसेट, जिसके अंदर मतलब स्कोरिंग को अगर हम कंपेयर करें, जो ऑन पेपर की बात करूं मैं, तो वो आप कह सकते हो कि 888 प्रोसेसर जो है हमारा स्नैपड्रैगन का, वैसी आपको मिलती है। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इसके साथ हमारा iOS 15 जो है, जिसमें आपको अब नए काफी सारे फीचर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो उसके ऑप्टिमाइजेशन है, जो उसकी स्टेबलाइजेशन है, मतलब जो गजब की चिप इन्होंने जो लगाई है, उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस एकदम फ्लॉलेस, एकदम कमाल की, एकदम स्मूथ मिलती है। अब जितने मर्जी हैवी एप्स इस डिवाइस के अंदर चलाओ, जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, मतलब मैंने यहाँ पे पबजी न्यू स्टेट हो गई उसको मैक्सिमम सेटिंग्स पे खेला है, उसके बाद BGMI खेली है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, किसी भी गेमिंग में जो हाई सेटिंग्स पे मैंने खेली, मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप या लैगिंग देखने को नहीं मिली। भाई तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है आपको डिवाइस के अंदर। लेकिन अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इतनी ज्यादा जो इतना बड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, उसके साथ आपको डिवाइस के अंदर जीरो हीटिंग मिल रही है। कोई डिवाइस के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही, कोई थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिल रहा। और ये सारी चीजें करने के बाद भी आपके डिवाइस की बैटरी ओवर कंज्यूम नहीं हो रही है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि आपको तगड़ा बैटरी बैकअप भी मिल रहा है। तो ये देखा जाए ना, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के ये डिवाइस अल्टीमेट परफॉर्मेंस डिवाइस बन जाता है हमारा। और एक्चुअल में आपको बताऊं, आपने इस फोन को खरीदा है, आप इसको मतलब अपने 130,000 दिए या 150,000 दिए हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। कमाल का अल्टीमेट डिवाइस है एप्पल की तरफ से, जिसका मैंने ये आज किया है ठंडा ठंडा सा रिव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मजेदार वाले वीडियोस मैं आगे लाती रहूंगी।